आज वो दिन आखिर आ ही गया जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिनों से था। आज कराएंगे फाइट जेएलबी चीता की ट्रैक्सेस एक्स मैक्स 8S के साथ। आज पता चल जाएगा गाइस दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। जेएलबी चीता का बॉक्स इससे देखो यार बहुत ज्यादा छोटा दिया गया है क्योंकि ये कार 1:8 स्केल मॉडल पे बनाई गई है और ये कार 1:6 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। बॉक्स को यहाँ से ओपन कर देते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जरूर से लाइक कर देना। आने वाले दिनों में मैं और ट्रैक्सेस कार्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो ये इसका चार्जर है, कुछ बुक्स वगैरह दी गई है इसके साथ। कार अभी निकाल लेते हैं गाइस इसके अंदर से बाहर। ये कार हमारी आ चुकी है, कार रिमोट कंट्रोलर डम्बो का रिमोट मिलता है इसके साथ। यहाँ पर इसके बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। चार नॉब्स है, दो स्विचेस हैं। इसके अंदर आप चाहे तो रिचार्जेबल बैटरी भी डाल सकते हो और इसको यहाँ से चार्ज भी कर सकते हो। तो ये रही हमारी जेएलबी चीता आरसी कार। नीचे यहाँ पे मेटल की एक प्लेट दी गई है ताकि ये कार बहुत मजबूत रह सके। यहाँ पर एबीएस प्लास्टिक यूज किया गया है। इसके व्हील्स देखो यार, जैसे हम इसको हाई स्पीड में चलाएंगे तो ये व्हील्स एक्सटेंड होकर डबल साइज के हो जाते हैं। अंदर की रिम पूरी की पूरी मेटल की दी गई है। इसके अंदर मिलती है ब्रशलेस मोटर। एक्स मैक्स को भी मैं ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसकी बैटरी है, सिंगल बैटरी इसके अंदर मिलती है 4000 mAh 3S 11.1 वोल्ट की। ये इसकी मोटर है, मोटर का साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। एसी के ऊपर एक फैन भी दिया गया है। गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं एक्स मैक्स को। मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले इस तरह से लिटाना पड़ता है यार क्योंकि ये कार बहुत ज्यादा बड़े साइज की है। फिर इस तरह से इसको बाहर खींचेंगे। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट को इस तरह से इसके अंदर पैक किया गया है। ऊपर की तरफ इसको सेट करने के लिए मेन्यू वगैरह भी मिल जाता है। तो अभी निकालते हैं ट्रैक्सेस को यहाँ से। यार ट्रैक्सेस को साइड में इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है ये बता देता हूँ। एक्चुअली ये बैटरी मैंने अलग से खरीदी है। बैटरी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, 5200 mAh की एक बैटरी है। तो इस तरह की दो बैटरीज हम लोगों को डालनी पड़ती है ये कार के अंदर। तो भाई जेएलबी चीता और एक्स मैक्स के साथ E9.5 RC कार की भी आज हम रेस कराने वाले हैं और फाइट कराने वाले हैं। उसका साइज कंपैरिजन भी देख सकते हो, एक्स मैक्स इससे दो गुना ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। अभी दोनों का हार्डवेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसको हटा देते हैं और E9.5 के ऊपर से भी इसका कवर हटा देते हैं। और इसके व्हील के अंदर जो रिम है प्लास्टिक का है, पर इसके व्हील के अंदर जो रिम दिया गया है ये पूरा का पूरा मेटल का है। ट्रैक्सेस एक्स मैक्स की ग्रिप इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा तगड़ी दी गई है। सस्पेंशन की बात करूं तो देखो यार इसके सस्पेंशन इतने दिए गए हैं, इसके सस्पेंशन भाई साहब मेरे हाथ जितने बड़े हैं। एकदम कमाल के ऑयल फील्ड सस्पेंशन इसके अंदर दिए गए हैं। E9.5 रोड पे चलने के लिए बनाई गई है, इस वजह से इसके व्हील्स थोड़े से छोटे हैं और इसके ऊपर ग्रिप भी बहुत कम दी गई है। इसके मोटर का साइज यहाँ पे देखो गाइस, बहुत ज्यादा बड़े साइज की मोटर इसके अंदर लगाई गई है। इसकी मोटर मेरे को लग रहा है गाइस E9.5 जितनी बड़ी है। यहाँ पे देखो सेम मोटर मेरे को लग रही है ये दोनों कार्स के अंदर। ऊपर बहुत बड़ा स्पॉइलर दिया गया है, मेरा हाथ जितना बड़ा यहाँ पे इसका स्पॉइलर है। इसके अंदर व्हीली सपोर्टेड व्हील्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से व्हीली भी कर लेती है। पीछे एंटी कोलिजन बम्पर दिया गया है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा स्पॉइलर दिया गया है, स्पॉइलर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे व्हीली सपोर्टेड व्हील्स दिए गए। ये तीनों के रिमोट्स मैंने यहाँ पे रख दिया। ऑलमोस्ट तीनों रिमोट्स का साइज बिल्कुल सेम टू सेम है। ये बैटरी मैं यूज करने वाला हूँ आज जेएलबी के अंदर और ये बैटरी आज यूज करने वाला हूँ मैं E9.5 के अंदर। अभी कराते हैं गाइस इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं इन सभी में से कौन सी कार आज जीती है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले ट्रैक्सेस एक्स मैक्स को टच करके देखते हैं। इसके रिमोट में थोड़ा सा भी ट्रिगर दबाने पर ये एकदम से व्हीली करने लगती है। नो डाउट फ्रंट व्हीली ये बहुत गजब तरीके से कर सकती है। तो अभी यहाँ पे बैक व्हीली भी टच करते हैं। जैसे ही मैं बैक व्हीली कराने की कोशिश कर रहा था देखो कार पूरी तरीके से पलट चुकी है। ये कार के अंदर इतनी ज्यादा गजब की आवाज आती है कि लोग ठहर के देखने लगते हैं। यार देखो ये भाई साहब यहाँ पे ठहर के देख रहे थे, जैसे मैं इनके पीछे पीछे कार लेके गया हूँ ये डर के यहाँ से भाग चुके हैं। अब जेएलबी चीता को भी चला के दिखा देता हूँ। ये कार भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट व्हीली कर सकती है, ब्रेक्स इसके बहुत अच्छे दिए गए हैं। अभी बैक व्हीली ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे बैक व्हीली में करा रहा था ये कार भी पूरी तरीके से पलट चुकी है गाइस। नो डाउट ये कार एक्स मैक्स को आज बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है। अभी फ्लाइस का E9.5 RC कार को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार एक्चुअली रोड पे चलाने के लिए ही बनाई गई है। आज तक इसको कोई भी रेस में नहीं हरा पाया गाइस। आज देखते हैं ट्रैक्सेस एक्स मैक्स इसको रेस में हराती है या फिर खुद हार जाती है। अब रेस कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीती है। दोनों व्हीली मारकर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने दोनों के अंदर फुल स्पीड बढ़ाई है दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे। पर आप देखो यार जेएलबी आगे निकल गई है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस इसने ट्रैक्सेस एक्स मैक्स को हरा के रख दिया। इस बार ट्रैक्सेस एक्स मैक्स आगे निकलने की कोशिश कर रही थी पर जेएलबी ने इसको वापस से ओवरटेक कर लिया। यहाँ पे भी जेएलबी चीता जीती हुई मेरे को लग रही है गाइस। क्लियरली आप देख सकते हो जेएलबी चीता ट्रैक्सेस एक्स मैक्स
से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। जेएलवी चीता की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ट्रैक्सस की स्पीड इससे जरा सी कम 100 किलोमीटर पर आवर तक आराम से जा सकती है। क्लियरली रेस को जेएलवी चीता ने जीत लिया है। अब रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि जेएलवी चीता ने हरा दिया है ट्रैक्सस एक्स मैक्स को। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीती है। यहाँ पे भी देख सकते हो E9.5 पहले राउंड में तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। अभी राउंड टू कराते हैं, राउंड टू में जेएलवी चीता आगे निकल गई है और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है। अभी भी देख सकते हो थर्ड राउंड में भी जेएलवी चीता बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। जेएलवी चीता सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आरसी कार बन चुकी है। इसने सारे के सारे आरसी कार को धूल चढ़ा के रख दिया रेस में। देखते हैं ट्रैक्सस एक्स मैक्स अपनी हार का बदला ले पाती है नहीं। जेएलवी चीता के साथ दोनों के बीच में मैं पुशबैक करा रहा था। जेएलवी चीता बहुत चालाकी से ट्रैक्सस एक्स मैक्स को नीचे से उठा के फेंकने की कोशिश कर रही थी, पर ट्रैक्सस एक्स मैक्स इसके ऊपर से जंप मार के निकल चुकी है। अब कराते हैं राउंड टू, अब पता चलेगा दोनों में से कौन जीतेगा। ट्रैक्सस एक्स मैक्स पूरी पावर लगाकर जेएलवी चीता को पीछे टेकल रही है और जेएलवी चीता इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे ट्रैक्सस एक्स मैक्स ने जेएलवी चीता को नीचे पटक के रख दिया है। जेएलवी चीता को अब पता चला होगा कि इसने किससे पंगा ले लिया है यहाँ पर। अब कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं जेएलवी चीता यहाँ पे क्या कर पाती है। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा टाइफून आ चुका है। दोनों ही कार्स पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को खींचने के लिए। इस टाइफून के अंदर से बाहर निकल के आ चुकी है ट्रैक्सस एक्स मैक्स। देखो यार, ये बहुत खतरनाक तरीके से जेएलवी चीता को घसीट के लेके जा रही है रोड पर। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, जेएलवी चीता को हरा के रख दिया है ट्रैक्सस एक्स मैक्स ने। अब जेएलवी चीता यहाँ पे काम करना भी बंद चुकी है, सिर्फ इसकी स्टीयरिंग काम कर रही है। मेरे को लग रहा है गाइस ये पूरी तरीके से ओवरहीट हो चुकी है। दोनों के ऊपर कितनी मिट्टी आ चुकी है देखो यार, इसको तो भाई मिट्टी से नहला दिया है पूरा ट्रैक्सस एक्स मैक्स ने। और जेएलवी चीता ने भी भाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी डाल दी। अब तक ऑफर कराते हैं E9.5 वर्सेस ट्रैक्सस के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता। E9.5 के सामने के व्हील्स पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लगे हैं, क्योंकि ट्रैक्सस एक्स मैक्स इसको बहुत स्पीड से और बहुत ही खतरनाक पावर लगाकर घसीट के लेके जा रही है मिट्टी के अंदर। देखो यहां पे E9.5 पूरी कोशिश कर रही है इसके ऊपर मिट्टी फेंककर इसको रोकने के लिए, पर ट्रैक्सस इससे भी ज्यादा पावरफुल है और यहां पे E9.5 का व्हील भी पूरी तरीके से फट चुका है और ये कार भी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। तो इसकी बैटरी निकालकर मैं एक और बार चेक करता हूं गाइस। मेरे को लग रहा है गाइस इसका राम नाम सत्य हो चुका है, इसकी मोटर पूरी तरीके से जल चुकी है। अब करते हैं यहाँ पे ट्यूबलाइट टेस्ट, देखते हैं गाइस जेएलवी चीता तीन तीन ट्यूबलाइट्स को फोड़ पाती है नहीं। इससे पहले तो इसने दो ट्यूबलाइट फोड़े थे, यहाँ पे देखो यार इसने बहुत आराम से तीनों ट्यूबलाइट्स का कचूमर निकाल के रख दिया है। अब इसके व्हील्स चेक कर रहे थे यार, क्योंकि बहुत शार्प कांच के ऊपर से मैंने इसको चलाया था। देखो व्हील्स अभी भी इसके सही सलामत है। अब ट्रैक्सस एक्स मैक्स को टेस्ट करते हैं, इसके सामने मैंने चार ट्यूबलाइट्स लगा दिए हैं। देखते हैं ये चारों ट्यूबलाइट्स को एक साथ फोड़ पाती है। ओ माय गॉड, इसने तो यार बहुत आराम से चारों ट्यूबलाइट्स को फोड़ के रख दिया है। यहाँ पे देखो चारों ट्यूबलाइट्स का कचूमर बन गया है पूरी तरीके से। इसके व्हील्स इतने ज्यादा कमाल के यार, इसके नीचे जो भी आता है उसकी हालत खराब हो जाती है पूरी तरीके से। अभी कोक कैन टेस्ट करते हैं गाइस, यहाँ पे देखो ढेर सारे मैंने कोक के कैंस जमा दिए हैं। देखते हैं गाइस कौन कितने कैंस को फोड़ पाता है। जेएलवी चीता देखो यार अपने राइट साइड के व्हील से सारे के सारे कैंस को गिरा चुकी है और उसने एक कैन फोड़ दिया है। देखते हैं ये दूसरा कैन भी फूट चुका है। तो जेएलवी चीता ने कम्प्लीटली तीन कैंस को यहाँ पे तोड़ के रख दिया है पूरी तरीके से। अभी ट्रैक्सस एक्स मैक्स के साथ सेम टेस्ट करा के देखते हैं गाइस, इसने भी सारे के सारे कैंस का कचूमर बना के रख दिया है। देखते हैं गाइस कितने कैंस यहाँ पर फूटे हैं। मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। देखो एक कैन, ये रहा दूसरा कैन और ये रहा तीसरा कैन। यार ये चौथे कैन की हालत देखो पूरी तरीके से, ये तो दो टुकड़ों में कट चुका है। इसके व्हील्स बहुत ज्यादा हैवी यार, देखो इसने तो कोक के कैन को पिचका के रख दिया है। अभी इन दोनों के बीच में ड्रिफ्ट टेस्ट कराते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार सबसे अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। नो डाउट जेएलवी चीता बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है, पर ट्रैक्सस एक्स मैक्स के अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोलर होने के कारण ये कार जेएलवी चीता से बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। तो गाइस ये 70 डिग्री मिट्टी की चट्टान पे से आज तक सिर्फ दो ही कार जंप मार के निकल पाई है। पहली कार है ट्रैक्सस एक्स मैक्स। देखो गाइस एक और बार मैं आपको बताता हूँ, ये कार इतनी बड़ी चट्टान पे से भी बहुत आराम से निकल जाती है। इसके सामने झाड़ी आ चुकी थी, झाड़ी को भी ये हटाकर दूसरी तरफ निकल चुकी है। दूसरी कार है जेएलवी चीता, ये चट्टान बहुत ही फिसलन भरी यार, फिर भी देखो इसके ऊपर ग्रिप अच्छी होने के कारण दोनों ही कार यहाँ पर बहुत आराम से जंप मार के निकल चुके। तो गाइस यहाँ पे देखो एक भैंसा आ चुका है जिसके सामने मैं जैसे ही लेके जा चुका हूँ, ये भैंस भी यहाँ से डर के भाग चुकी है। ये कार सच में यार बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इन तीनों कार्स में से आपको कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है चंदन, मनोहर, जमाल, यीशु, विनय, आकर्ष, सुंदर, जावेद, मिसबा, मंदीप। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।